राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यानी कि RSMS की तरफ से आपकी 11 भर्तियों का जो परीक्षा होने वाली थी उनको स्थगित कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन आपका गुर्जर आरक्षण को लेकर बताया जा रहा है, क्योंकि अब की बार क्या होता है कि गुर्जर जो संबंधित जाति थी और अन्य जाति थी उनको 5% आरक्षण और साथ साथ में जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे उनको 10% आरक्षण देने के बाबत में यानी कि इस देने के वजह से जो परीक्षा आपकी जुलाई में होने वाली थी उनकी एग्जाम और परीक्षा स्थगित कर दी जाती है और फिर नए सिरे से उनके एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। अर्थात जिस कैंडिडेट्स ने पहले जो फॉर्म फिलअप हो चुके थे उनको वापस फॉर्म फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो नए कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वे अपना नया फॉर्म भर सकते हैं और इसका वापस आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उसमें आपको बाकायदा जो गुर्जर आरक्षण के जो संबंधित आरक्षण की जो सीट हैं वो और साथ में EWS की सीट हैं वो अलग से यहाँ पे इंडिकेट कर दी जाएंगी और उनके लिए अलग से जगह निकाली जाएंगी। ठीक है, इस संबंध में नया प्रेस नोट जारी होगा और नया विज्ञप्ति जारी होगा। फिर आपको नए सिरे से फॉर्म को फिलअप करना है, नए कैंडिडेट्स को ओनली, जो पुराने जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने पहले फॉर्म फिलअप हो चुका है वो उनको कोई फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं वो अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी कौन कौन सी जो गैर भर्तियाँ हैं जो आपकी स्थगित कर दी गई हैं जुलाई के अंदर। तो पहले नंबर की बात करते हैं आपके फार्मासिस्ट की बात करते हैं, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान जयपुर की तरफ से थी। इसकी जो एग्जाम थी वो 6/7/2019 को होने वाली थी, जो आपको यहाँ पे कैंसिल यानी कि स्थगित कर दी गई है। उसके बाद पुस्तकालय ग्रेड 3 इसकी भी एग्जाम आपकी 6/7 को होने वाली थी, उसको भी स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर इसकी भी आपकी जो एग्जाम होने वाली थी 14/7/2019 को, उसको भी स्थगित कर दिया जाती है। फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप 4 नंबर पर कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल इसकी भी जो एग्जाम होने वाली थी वो 20/7/2019 को होने वाली थी, उसको भी स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, ठीक है, इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक रेफ्रिजरेशन की, और नेक्स्ट अपने यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक बायरमैन की जिसकी एग्जाम 21/7/2019 को होने वाली थी वो आपकी स्थगित कर दी जाती है। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना व विज्ञान की इसकी जो एग्जाम होने वाली थी वो 27/7 को, वो भी आपकी स्थगित कर दी जाती है। हथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग की वो उसकी भी एग्जाम 27/7/2019 को होने वाली थी, उसको भी स्थगित कर दिया जाता है। लवण निरीक्षक और अन्वेषक इन्वेस्टिगेटर इसकी भी जो एग्जाम थी वो 28/7/2019 को होने वाली थी, उसको भी स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको तैयारी करने के लिए और अच्छा सा प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल जाएगा, जिससे कि तुम आप अच्छी से प्रिपरेशन करके अपनी एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन क्या, इंतज़ार का जो समय वो बढ़ा दिया, अगर अच्छा होता इनकी एग्जाम हो जाती तो बेटर रहता। अब आपको हो सकता है कि आपको 1-2 महीने लग जाएँ इसके अलावा, ठीक है, हो सकता है 3 महीने भी लग जाएँ, तो आपकी ये समय अवधि वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन आपको ये पहुँचानी थी कि जो आपकी गैर भर्ती थी आपकी RSMS की तरफ से वो आपकी स्थगित कर दी जाती है सीधी तौर पे। ये ये राजस्थान में जो भी भर्ती आपकी होने वाली है आपकी जुलाई के अंदर वो सब स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, उसका नए सिरे से वापस आपका फॉर्म फिलअप की जाएगी।